सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राहुल बिकल व्लॉग्स। क्या हाल है एम सी बी के? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हो चुका हूँ तैयार। पीछे के बैकग्राउंड पर ध्यान ना दीजिए, वो थोड़ा गंदा ही है। और टाइम हुआ है 3 बजे हैं गाइज, सिर्फ 3 बजे हैं। सो मैं जल्दी से तैयार हो रहा हूँ और आपको आगे बताता हूँ। आगे हमें जाना है, यहाँ से जाएंगे हम गोहाना, गोहाना से रोहतक, रोहतक से दिल्ली, दिल्ली में एयरपोर्ट पर जाना है, फिर वहाँ से वापस आएंगे। वहाँ पर पापा का ड्रॉप करेंगे, पापा का ये फ्लाइट है। सो ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड द टाइम है भाई, जल्दी से भाग के तैयार हो चुका हूँ मैं, जल्दी से निकलते हैं थोड़ी देर में। या गाइस, जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मुझसे आने वाली वीडियोज और अपडेट आपको मिलती रहे। और शेयर जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, कमेंट करके ये बताना। पापा को मैंने ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे। आज व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाए, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, मतलब जितना सोचा था ना मैंने उससे ज़्यादा ही मिला। मैं सोच रहा था कि संडे है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह कौन इतनी जल्दी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश था, भगवान जाने क्यों। और मोस्टली सबके सब एयरपोर्ट वाले रोड पे ज़्यादा रश था, पता नहीं क्या रीज़न था। बाकी ऐसा है कि छोड़ दिया है, गुड़गांव भी गए थे, उसके बाद फिर अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, थोड़ा सा एक बार पेट्रोल के लिए। देख सकते हैं पेट्रोल पंप मेरे पीछे, तो पेट्रोल फिल कराने के लिए रुका था यहाँ पे बस एक बार, और अब मैं निकलूँगा। आज अजीब सा रुखा सूखा सा दिन है यार, बिल्कुल गर्मी टाइप आ गई है ना। मैं दिखाता हूँ, लेट सी कितनी धूप है, पता है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। व्लॉग ना करने के दो रीज़न थे। रीज़न नंबर वन, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ट्रैफिक था, मैं नहीं कर सकता था। रीज़न नंबर टू, मुझे रोड नहीं पता था तो मैंने मैप भी इसी में लगा रखा था। रीज़न नंबर थ्री, थोड़ा सा मूड थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, भगवान जाने क्यों, शायद थकावट है। सुबह 4 बजे उठ गया था, तो देखते हैं, चले अब निकलते हैं हम आगे, मिलते हैं आपको आगे। बोरिंग दिन है, थोड़ी सी धूप है, गर्मी है, लेकिन बट स्टिल वी हैव टू व्लॉग या थोड़ा सा मतलब कुछ तो दिखाएं अपने ऑडियंस को। आज थोड़ा सा बोकस सा दिन रहा, लेकिन यार वैसे ना पता है बोलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा, ट्राई पे फोकस करूँ या नहीं, मतलब फोकस तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, पर स्टिल। और यहाँ पे पेट्रोल अभी ठीक ठाक हो गया, अब यहाँ से हम जाएंगे रोहतक। यहाँ पे आगे जाके एक टोल आएगा, पता नहीं दो टोल आएंगे इस रूट पे, मैं कम ही ड्राइव करता हूँ, अच्छा हाईवे बना रखा है बाकी। ये आ गया हमारा पहला टोल इस तरफ से, फास्टैग होने के कारण, फास्टैग लेन कौन सी है, वोरी फास्टैग लेन, हम इसमें निकल जाएंगे तुरंत ही। और कितना किलोमीटर, 178 किलोमीटर और जाएगी हमारी गाड़ी, एक बार मैं सामने फोकस कर लूँ, हाँ जी 178 किलोमीटर और जाएगी। फास्टैग होते हुए भी यार यहाँ पे डिडक्ट होने में टाइम लग रहा है, शिट है। तंग करना है अभी टोल पे, बैक करवा रहे, बता पीछे कोई गाड़ी आ जाए, डिवाइडर है, दिमाग खराब है अगर लोग। रोड तो बढ़िया, मौसम बना रखे हैं यार, बहुत बढ़िया है, मौसम एकदम खिला खिला हो गया, ठंड खत्म हो रही है बिल्कुल ही, आज का थोड़ी धूप है। अभी चढ़ गए, रास्ता पता होते हैं अभी हमें, अभी सही रास्ता पता था बिल्कुल, बेमतलब में एक्स्ट्रा आगे निकल गए, एक्स्ट्रा आगे चले गए थे। कम से कम वो पड़ता रूट हमें 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर के करीब पड़ता, एक छोटा पड़ा इस रोड पे काम ऑलमोस्ट 2013 या 12 से तो मैं देख रहा हूँ चल ही रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये रोहतक को जींद से कनेक्ट करता है, हाईवे बनना था बीच में, भगवान जाने किसी कारण से टेंडर में कुछ लफड़ा हुआ था क्या पता, लेकिन हो गया था, प्रोसेस स्लो हो गया था, फिर बंद हो गया था, फिर वापस से टेंडर खुले, नए कॉन्ट्रैक्टर आए, नए रोड वापस बनने शुरू हुए, फिर बीच में कोरोना आ गया, फिर ठप हो गया 2 साल के करीब। तो इसको मेरे ख्याल से हो चुका है 10-12 साल बनते हुए इस रोड को, पूरे हरियाणा में जब बनने शुरू हुए थे वही तब वही है, ये भी पूरे हरियाणा में बन चुके हैं, बहुत पहले यूज़ हो रहे हैं, टूट भी चुके लेकिन ये अभी तक बना ही नहीं है। और ये साइड में विलेज आ गया चांदी, तो ये साइड में पड़ता है चांदी विलेज, लेकिन बहुत बुरा रोड है इस रोड पे ना। वैसे एक्चुअल में तो अगर आए हैं तो बाइक पे लगता है 1 घंटा, अगर पूरा ठीक बन जाए तो 1 घंटा लगेगा बाइक पे, और गाड़ी में लगेगा 35-40 मिनट्स बस। लेकिन अभी यहाँ पे हमें 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक हम यहीं पहुँचे, अभी 1 घंटा हो चुका है लेकिन हम अभी तक यहीं पहुँचे हैं, और इस जगह तक आने में तो मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं, बहुत ही बुरा लगने वाला है। चलो यहाँ पे एक स्टॉप लेने का सोच रहे हैं, बिट्टू किट्टू ढाबा, ऑसम है यार, बहुत बढ़िया लोकेशन है, मैं जाते हुए देखी थी, अभी वापस यहाँ आया तो देखेंगे, रुकते हैं सामने, अलग अलग कंट्रीज़ के झंडे हैं, चलो रुक के देखते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं, हैव अ लुक। आए हम किट्टू द ढाबा पे, और बस अभी चाय वाय पीते हैं, थोड़ा बहुत कोल्ड कोल्ड पीता हूँ यार, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही, नींद भी आ रही थी, सो निकलते हैं जल्दी, अब एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, फ्लैग देखो भाई, फ्लैग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये
बढ़िया रेस्टोरेंट है, एक कोक ली और एक चिप्स लेंगे। आप देख सकते हैं आप अपनी कोक। हवा मस्त चल रही है, हवा बढ़िया चल रही है। छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने बिट्टू किट्टू ढाबा पे, बस अभी निकल रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है, ये खाएंगे और जल्दी से निकलते हैं, मूव करते हैं यहाँ से। सब मौसम है आज, मतलब अभी धूप थोड़ी ठंडी से लग रही है क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, बाकी चारों तरफ खेत है यार, बहुत औसम लग रहा है। काफ़ी देर बाद सिर्फ फट रहा था मेरा दर्द के मारे, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, अब चलते हैं घर जल्दी से करके। कितना देर लगेगी यहाँ से, यहाँ से कितनी देर लगेगी? 20 मिनट, आधा घंटा लगता होगा, आधे घंटे में होंगे। व्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, कल मैं जाके आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, आपने देखा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था यार। रोहतक से जींद का रास्ता है सारा ही 55 या 60 किलोमीटर, ज़्यादा 60 किलोमीटर। तो इसे पहले हमें टाइम लगता था 1 घंटा या 1.25 घंटा, रोड फिर थोड़ा ख़राब हुआ तो 1.5 घंटा लगने लगा, लेकिन इस बार वर्स्ट कंडीशन थी, मुझे 2.5 घंटे लग गए रोहतक से, करीब मतलब पूरे 2.5 भी नहीं, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट लग गए। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई या धूल मिट्टी उबड़ खाबड़, मतलब पूरी बॉडी हिल जाती है। नॉर्मली मैं 8-9 घंटे भी चला लूँगा तो भी इतनी थकावट नहीं होती, लेकिन रोड ज़्यादा ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा थक गया था। आते ही मैं सो गया, फोन में इतनी बैटरी नहीं थी, मैंने बिना चार्ज लगाए सो गया था, रात में उठ के देखा तो फिर वही कंडीशन। तो मैं जल्दी से चार्जर लगा के सुबह अभी जल्दी से आ चुका हूँ स्टोर पे। सो आज का दिन देखते हैं कैसा रहने वाला है, बाकी मैं इस व्लॉग को एडिट करूँगा, ज़्यादा लंबा ना हो गया हो, अगर लंबा हो जाएगा तो 2 पार्ट में डालेगा, अगर छोटा ही रहा होगा तो मैं डिसेट डाल दूंगा। सो अभी अपना काम वाम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ रखा अपना लैपटॉप, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी निकले हम वॉकिंग पे, स्टोर से मैं आ गया था तो ये फ़ोन पे बात कर रही है अपना, वहीं रुक गई अपने फ़ोन पे, भी इतना बिजी रहेगी ना, मेरे को शॉप देखे आनी थी, शॉप खुली है कि नहीं, अगर खुली है तो थोड़ा सामान लाना है, मुश्किल लग रहा है वैसे, खुला तो बंद है, नो इश्यूज कैप्टन, पापा चलो ले लाते हैं। सो व्लॉग को भी एंड ही करूँगा यार आज, ये थका सा दिन गया, बाद आज ये अपने यहाँ पे ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, पड़ोसी का, उसके कारण पानी लीकेज थी, सारा दिन उसी में निकल गया। आज देखो घर पे बिल्कुल लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट की शिकायत मैंने बता देता हूँ, तो व्लॉग को एंड ही कर देता हूँ। एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी रहे, पानी वानी टपक रहा था इस तरफ, एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे आप देख सकते होंगे ये वाली बिल्डिंग में, तो उसके कारण हुआ क्या, तो पानी वानी पता नहीं क्या हो गया, कोई पाइप वगैरह फूट गई है या पता नहीं भगवान जाने, तो लीकेज का इशू है कुछ, तो उसी में निकल गया सारा दिन। आई होप इस लोग को भी आप प्यार दोगे। सो सोच रहा हूँ इस लोग को यहीं एंड कर देता हूँ, बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद, डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन।